हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो राजपूती पोशाक का ओढ़ना है वो कैसे वियर किया जाता है, वो भी परफेक्ट लुक के साथ, जिसमें जो राजपूती जो लेडीज़ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लगती है और बिल्कुल पल्लू वगैरह भी कहीं इधर उधर नहीं खींच सकता है ना होता है, वो कैसे मस्त तरीके से ओढ़ा जाता है जो काफ़ी देखने में एलिगेंट लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओढ़ना कैसे ओढ़ा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जो हमारी पोशाक है ये उसका ओढ़ना है और इसके जो तीनों साइड हैं, तीनों साइड पर इस टाइप के फ्लावर बने होते हैं और साइड में ये बॉर्डर बना हुआ रहता है। ये देखिए, तीनों साइड पर इसके फ्लावर बने हुए हैं और इसमें आपको ये एक जॉइंट नज़र आएगा। ये जो जो दोनों ओढ़नी का जो दोनों साइड रहता है उसको जो अटैच किया हुआ रहता है, तो ये वाली जो साइड होती है वो हमेशा छोटी होती है और ये वाली साइड हमेशा बड़ी होती है। तो जो बड़ा वाला जो साइड होता है उसको हमेशा सिर पे रखना होता है और जो छोटा साइड रहता है वो हमेशा पैरों की साइड ही रहता है। और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना पड़ता, क्योंकि जो साइड हमारा लहंगे के अंदर जाता है उस साइड पे कोई फूल नहीं होता, बॉर्डर नहीं होता। और ये जिसको हम किरण ज्वारा बोलते हैं, तो जो अंदर की जो साइड जाता है उस पर ज्वारा भी नहीं लगा हुआ होता। तो ये देखिए, जो साइड अंदर जाएगी उस पर तो ना तो कोई किरण लगी हुई है ना कोई डिज़ाइन की हुई है, सिंपल प्लेन बना हुआ है। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि वाली साइड अंदर जाएगी और ये वाली। तो इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, ये देखिए यहाँ से पकड़ा, इसको छोड़ के और इस वाले हिस्से को हम ऐसे सिर पे डाल लेंगे। इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे। ये हमने अच्छे से सिर पर ले लिया, अब हम इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। जितना भी हमें नीचे ऊपर रखना है ये हमें इतना नीचे रखना है, ये कुर्ती से हल्का सा एक दो इंच इसको ऊपर ही रखेंगे। और अब हम यहाँ पे लगा लेंगे एक पिन। अब यहाँ पर जो मैं है ये जो इस टाइप का यू पिन होता है उसका यूज़ करूँगी। सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, पर सेफ्टी पिन से जो प्योर है उसका थोड़ा कटने फटने का डर रहता है। तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस टाइप का जो यू पिन है मार्केट में आराम से मिल जाता है, तो आप इसी को यहाँ पर लगाइए। ये यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये यहाँ पकड़ लिया, इसको कुर्ती से लिया और ये इसमें इसको टक कर देंगे। देखिए, इससे जो पोशाक की जो ओढ़नी है वो भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए कितना अच्छे से ये आ गया। अब ये जो पूरा हिस्सा है इसे हम अभी तो ले लेते हैं यहाँ पर ऊपर की साइड। अब ओढ़ने को कर लेते हैं यहाँ पर सेट, इसको हमने ओढ़ लिया। अब ये जो पूरी साइड है ये देखिए इस तरह से आ गई, ये भी आधा बना हुआ रहता है, इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे। अब ये ओढ़ना क्या है, काफ़ी बड़ा रहता है नीचे से, तो सबसे पहले हम इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये इसमें इतना अंदर चला जाएगा। देखिए, कुछ हिस्सा हमें थोड़ा सा बचा के रखना है जो कि पतली के साथ फोल्ड होगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया। और अब आपको ये जो किरण ज्वारे दिख रहे हैं और ये जो बॉर्डर दिख रहा है ये बाहर की साइड रहेगा और इधर से आएगी जो हमारी प्लेट्स। तो प्लेट्स बनाने के लिए ये देखिए इस तरीके से, इसमें दो तीन प्लेट्स आएगी हमारी, तो दो तीन प्लेट्स हम ले लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम यहाँ से प्लेट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी प्लेट्स इसकी बन गई। तो ये देखिए कितनी अच्छी से हमारे इसकी जो प्लेट्स बनी हैं। अब हम इसको लहंगे के अंदर टक कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा अगर हमें नीचे से लग रहा है कि नीचे अगर हमारा ओढ़ना लग रहा है तो इसको हल्के से पिच कर लेंगे। किरण ज्वारे वाली जो डिज़ाइन है ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए कितने से अच्छे से जो हमारी प्लेट्स है वो सेट हो गई और ये ज्वारे किरण भी दिख रही है, बॉर्डर भी अच्छे से दिख रहा है और प्लेट्स भी अच्छे से बन गई। ये देखिए इस तरीके से इसको हम यहाँ सेट कर लेंगे। और ये जो ओढ़ना है इसको भी, इसको ज़्यादा अच्छे से सेट नहीं करना रहता, ये थोड़ा मेसी ही रहता है क्योंकि परफेक्ट इसको सेट नहीं करते हैं पिन वगैरह लगा के। अगर आपको अगर कैरी करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस तरीके से ये पल्लू को, ये जो बॉर्डर है इसको यहाँ से ले कर और हल्का हल्का सा इस टाइप से ये लगा के यहाँ रखें और ये यहाँ पर। अब आप चाहें तो यहाँ पर पिन का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सेफ्टी पिन या यू पिन को भी इस तरीके से लगा सकते हैं।
और ये यहाँ पर जो कुर्ती की जो साइड होती है, ये देखिए कुर्ती की साइड से, इसे कुर्ती से ही हमने इसको हल्का सा 1-2 इंच ऊंचा लिया है। तो ये देखिए पूरा किरण और ज्वारे वाला जो ये साइड है, ये जो सिर पे जो रहता है बॉर्डर, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा हुआ है। अब मैं तो इसमें पिन वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये फ्री काफ़ी अच्छा लगता है, और अगर नॉर्मली ये इधर उधर हो भी जाता है तो हम इसको ईजिली इस टाइप से कैरी कर लेते हैं, तो कुछ नहीं होता। और अगर हमें ओढ़ने में घूंघट लेना है तो हम इस तरीके से घूंघट ले सकते हैं। अगर घूंघट करने पर अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो हल्का सा इसको यहाँ से लूज़ कर ले तो भी ये परफेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छे से जो हमारी पोशाक का जो ओढ़ना है वो हमने वियर किया है, तो काफ़ी रॉयल लुक देता है ये। हमेशा हमें इसी तरीके से वियर करना चाहिए, क्योंकि पहले तो क्या राजपूत लेडीज़ ही इसको वियर करती थी, आजकल तो सभी इसको वियर करने लग गए, क्योंकि काफ़ी सुंदर लगती है राजपूती पोशाक। तो जब भी आपको वियर करना हो तो आप ऐसे पहने तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा आपका और काफ़ी रॉयल लगेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल जो कंप्लीट लुक है वो हमारा। सो गाइज, आई होप आप सबको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खमा गणिसा।